हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी सेवइयों की खीर और रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और फटाफट बनती है। और इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये सिवई, एक कटोरी मैंने सिवई ली है। और ये लिया है मैंने आधी कटोरी चीनी, वैसे एक पाव चीनी क्योंकि मैंने दूध लिया हुआ है इसके लिए। वो ये दूध है मैंने लिया है जो एक लीटर है, एक लीटर अराउंड, एक लीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश ली है, ये कोकोनट भी मैंने ग्रेट करके रखा है। और एक आधा चम्मच करीब मैंने देसी घी लिया है सिवैयों को भूनने के लिए, हमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ये दूध लिया हुआ है तो इसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ दूसरी साइड में। और इधर मैं पैन चढ़ाती हूँ जिसमें मैं सिवइयों को भूनूंगी। तो दूध मैंने बॉईल होने रख दिया है और इधर मैंने पैन में गरम होने के लिए रख दिया है। ये मैंने पैन में घी डाल दिया जो मैंने लिया हुआ था और ये घी मेल्ट हो गया। इधर देखिए मैंने दूध को भी बॉईल होने रख दिया है और अभी मैं इसमें सिवई डाल रही हूँ और अब सिवइयों को मैं भूनूंगी मीडियम फ्लेम में। फ्लेम तेज नहीं करेंगे नहीं तो सिवइयां जल जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगी नहीं। तो इसे हमें लाल होने तक भूनना है। ये हल्का सा देखिए भुनने लगी है सिवई हमारी, ये गोल्डन सी होने लगी है। तो थोड़ा ही और हमें भुनना है इसे थोड़ी देर और। ये बहुत अच्छे से भुनने लगी। इधर मेरा दूध भी बॉईल हो गया और इसे मैंने अभी लो फ्लेम में कर दिया। ये लो फ्लेम में हल्का गाढ़ा होता रहेगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूध गाढ़ा होता रहेगा। और इधर मैंने ये सिवइयों को भी भून लिया है। ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो गई है। तो अभी मैं इसको बंद कर दे रही हूँ गैस। दूध देखिए अच्छे से हमारा हल्का गाढ़ा सोने लगा। अभी इसी टाइम पे हम इसमें ये चीनी डाल देंगे और हल्के से इसे चलाते रहेंगे। दूध में चीनी भी है, सब मिक्स हो गई है। तो अभी जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो बादाम वगैरह वो भी हम डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। ये देखिए ये सारी चीजें डाल के और अब हम इसमें डाल देंगे सिवई जो हमने ये सिवई भून के रखी है वो भी हम डाल देंगे इसमें, मिक्स कर देंगे और गैस को एकदम ही लो फ्लेम में रखेंगे। ये सिवई डालने पे दूध एकदम से बॉईल होता है और रहता है। और इसको अभी 2 मिनट हम हल्के से चलाते हुए ऐसे पका लेंगे फिर ढक देंगे इसे थोड़ी देर। तो अभी ये सिवई हमारी इसमें पक जाए। ये देखिए सिवई पकने लगी है पर अभी भी पूरी तरह से ये देखिए फूल के नहीं गल के नहीं पकी है। जब ये थोड़ा सा साइज में ऐसे बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है तो ये पक जाती है। तो अभी हम थोड़ा सा इसे और पकने देंगे। ये सिवई देखिए हमारी पक गई है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब इसको 5 मिनट ढक दूंगी और ढकने के बाद फिर मैं सर्व करके दिखाऊंगी।
मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी सिमई कितने अच्छे से फूल गई है और ये गाढ़ी हो गई है बिल्कुल, ये देखिए। तो अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी, ये मैंने सिमई की खीर को अपने बोल में सर्व कर लिया है और ये देखने में भी जितनी टेस्टी दिख रही है खाने में भी उतनी टेस्टी है। तो आप जरूर ट्राई करिए और हमें जरूर बताइएगा आपने सिमई कैसे बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।